कहानी लेखन कहानी सुनना सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। बच्चे ज्यादातर कहानियाँ अपने दादा दादी नाना नानी आदि से सुनते हैं। दादा दादी नाना नानी मतलब कहानियों का सितारा। कहानी सुनना और कहानी सुनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। सभी कहानियों के अंत में कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। आइए कहानियाँ लिखना सीखें। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी की शुरुआत रोचक तरीके से होनी चाहिए। कहानी का क्रम नहीं टूटना चाहिए। कहानी में सरल भाषा और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी का अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए। कहानी में अगर सभी ऊपर दी गई बातों का ध्यान रखा जाए तो कहानी सुनने और सुनाने में रोचक एवं मनोरंजक हो जाती है। कहानी में भावों का भी बहुत महत्व होता है। भावों से पता चलता है कि कहानी सुनाने और सुनने वाले को कितना आनंद आ रहा है। कोई भी व्यक्ति कहानी लेखन में शुरू से निपुण नहीं होता, इसके लिए लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। कहानी को दो तरह से लिखा जा सकता है, चित्रों तथा संकेतों के आधार पर, सहायक शब्द के आधार पर। चित्रों तथा संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। एक चरवाहा और भेड़ों का झुंड, भेड़ों को रोज चराने ले जाना। रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान होकर चरवाहे को मजाक पूछना, भेड़िया आया कहकर चिल्लाना, लोगों का दौड़कर मदद के लिए आना, चरवाहे का हंसना और लोगों का लौट जाना। एक बार सचमुच भेड़िए का आना, चरवाहे का मदद के लिए चिल्लाना, किसी का न आना, भेड़िए का भेड़ों के झुंड को मार डालना। सी, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौवा और घड़ा। एक बार एक कौवा जो कि बहुत प्यासा था, उसे एक घड़ा मिला जिसमें पानी बहुत कम था, लेकिन पानी इतना नीचे था कि वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। उसने पहले तो घड़ा तोड़ने की कोशिश की, फिर उसे उल्टा करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके लिए बहुत मजबूत और भारी था। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने उस घड़े में बहुत से छोटे छोटे पत्थर तब तक डाले जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ गया, और फिर पानी ऊपर तक पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां चाहा वहां रहा। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld.